एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिए 2011 में पूछा हुआ था। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, नहीं तो मैं शो कर देता। उसमें कहा था कि लेट ए इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर मैपिंग है हमारा, ओके, एक्स के बारे में गिवेन है कि ए 0 से 1 तक है। तो इस पूरे सेट का आप मतलब समझ गए होंगे कि 0 से 1 तक ओपन इंटरवल दिया हुआ है जिसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, एक्स स्क्वायर टाइप के हैं, ओके। और एक बी सेट दिया हुआ था, बी क्या था, एक्स क्यूब था, और इसके एलिमेंट थे वो 1 से 2 तक थे, ठीक है, ओके। देन एक आ रहा था, लेट इज देन रीच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या होगा, अलग इश्यू है, हमें ऑप्शंस को समझना होगा कि ऑप्शन दिया हुआ तो कैसे हम लोग क्विकली करेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आंसर क्या होगा अलग इश्यू है, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर दो सेट की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो वहाँ से या फिर हमने अगर इक्विवेलेंट कर लिया तो 1 1 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि नो 1 2 1 सॉरी 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज ऑन टू, इसमें बोल रहा है नो ऑन टू फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1। एक बार थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, ए इक्वल टू, अच्छा ए इक्वल टू जो आपका होगा वो 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 और 1 ओपन हो जाएगा। उसी तरह बी हो जाएगा 2 से था ना, सॉरी 1 2 2 था, 1 2 2 हो जाएगा, ओके। और ए रियल की बात करें हम लोग यहाँ पे, और रियल की कार्डिनलिटी हमें पता था कि सी होता है। अब यहाँ से देखिए कुछ इतना ये हमारा क्या था, अनकाउंटेबल था, ए आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे एक ए सेट दिया था, बी दिया था, मैंने वो लिख लिया। आप पूछ रहे कि इनमें से कौन सा सही है, तो कुछ गेस करिए, रफली सही, वन ओनली, ओके, वन ओनली, ए 1 2 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एग्जिस्ट, ओके। आपने कार्डिनलिटी वाला कंसेप्ट यूज किया क्या कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी? यस सर। हाँ, ये भी क्योंकि हमने थोड़ा देर पहले ही देखा था कि कोई भी दो ओपन इंटरवल लो सारे आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली मार सकते हो कि दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे मतलब दोनों के बीच एक 1 1 1 2 मतलब इक्विवेलेंट मैपिंग मिल जाएगा, ठीक है, या दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट होते हैं मतलब 1 1 1 2 मैप उनके बीच में मिलेगा। क्या मिलेगा वो अलग इश्यू है, ये नहीं कि हमें उनके पीछे भागना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक कंटिन्यूस मैपिंग है, इससे पूरा ही पॉइंट आ जाएगा, ये नहीं सोचना कि इसमें किसका स्क्वायर होल स्क्वायर है, नहीं है। अगर हम एक्स स्क्वायर की मैपिंग बनाएं तो मैं 0 से 1 में ही बात कर रहा है ना, मान लीजिए 1 हो गया 0 हो गया, ये पूरा ही पॉइंट कंटेन कर रहा है हमारा। उसी तरह बी, ये हमारा ए सेट हो गया, उसी तरह हम बी की बात करें, ये 1 से 2 में कर रहा है, तो इसका तो ऐसे होता है, ठीक है, ये हो गया, ये 1 हो गया, कुछ 2 ले लीजिए। तो यहाँ से ये डॉटेड दिया है मतलब हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं, हमें जो दिया है यहाँ से मतलब टेढ़ा थोड़ा सा हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है हमें दिया हुआ, तो सिंपली हमें पता कि अभी हमने बस आपको यही यूज करना है कि कोई भी दो इंटरवल है, ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट होगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर दूसरा आप ऐसे यूज करें तो कोई भी ओपन इंटरवल है, ए इक्विवेलेंट होता है आर का, ए भी इक्विवेलेंट होता है आर का, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ए भी अनकाउंटेबल होगा, ए भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। एनीवे वो दूसरा मैटर है, हमारा सिंपल सी काम बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कार्डिनलिटी सेम, क्या गया, सी सी हो जाएगी। सो हमने जो रिजल्ट यूज किया था कि कोई भी दो सेट की कार्डिनलिटी अगर सेम होती है तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट होते हैं, 1 1 1 2 की बात हम करेंगे, 1 1 1 2 मिल जाएगा मतलब डायरेक्टली हमारा हो जाएगा। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। अब आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है कि वो मैपिंग क्या होगा या फिर हम इसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। सिंपली जो रिजल्ट आपने पढ़ा है उसको रफली मारिए और आगे निकलिए, ठीक है। हम लोग एक और सबसे फेमस है कैंटर्स कंटिन्यूम नंबर, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे कैंटर्स वाला। उसमें क्या है ना, कैंटर वाला जो रिजल्ट है उसको सेपरेटली मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, वो आपके बाकी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए। हम आर से शुरू करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ आर की क्या होती है, सी हो जाती है जो हमने अभी देखा, ओके। इसके सेट क्या होंगे, या तो फाइनाइट हो जाएंगे सबसेट या फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अगर फाइनाइट हो गए, तो हमें तो कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका कार्डिनलिटी जो हो जाएगा
इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे वो डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, बट अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट हो गया तो फिर से हम आ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास दो बातें हो जाएगी, क्या क्या, या तो एक काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, इसी को हम लोग डिनोमिनेबल बोल लेते हैं। तो अब इस टाइप का अगर काउंटेबल हुआ तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कुछ अलिफ नॉट हो जाएगा, और इसकी कार्डिनलिटी हम लोग देखे थे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूम नंबर एक ऐसे छोटा सा सी बना लेना है। ओके, तो हमने कोई भी काउंटेबल सेट होता है, तो अब यहाँ से अगर उल्टा हम लोग बात करें तो मैंने क्या देखा था कि फाइनाइट सेट होगा तो उसको काउंटेबल ही बोलेंगे या एटमोस्ट काउंटेबल भी बोलेंगे। अच्छा, फाइनाइट के अलावा भी इनफाइनाइट सेट भी हमारे पास थे जो काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो रहे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि एनी काउंटेबल सेट इज आइदर क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन आप इधर से ये नहीं कह सकते, इधर से फाइनाइट है तो काउंटेबल कह सकते हैं, इनफाइनाइट है तो कुछ नहीं कह सकते। एग्जाम्पल आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एक दो चीज़ और दूसरा ले लीजिए कि कोई भी दो सेट है जो आर के इक्विवेलेंट है तो आपस में भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे और उनकी कार्डिनलिटी भी सेम हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी अनकाउंटेबल सेट होगा आर का तो आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, जैसे जो इंटरवल आपने किया था, ठीक, क्या होगा, मान लीजिए ए आर के और बी इक्विवेलेंट है आर के, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, ये एग्जांपल बहुत हेल्प करेंगे। जैसे जो मैंने वहाँ पे लिखा था, जैसे 01 ले लिया, 01 पे क्लोज, जो ए बी वाला लिया था वही बात है, 0 to infinity ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, -infinity to 0 ले लीजिए, आर प्लस ले लीजिए या आर माइनस ले लीजिए या फिर आर ले अनकाउंटेबल, ठीक है। अन सब की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी जो हो जाएगी सी, मतलब सी मतलब कंटिन्यूम नंबर। तो ये हमारा उसमें बहुत हेल्प करता है। ओके, एक्चुअली कार्डिनल अर्थमेट मतलब इन्हीं का कुछ जोड़ घटाव है। तो इसमें मैं ले रहा हूँ दो सेट, ठीक है, कोई सेट ए ले लिया, ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे ही, मैं मान ले रहा हूँ कि ए में आपके एन एलिमेंट, ठीक है, एम मान लीजिए शुरू में एम, और इसमें कुछ एम एलिमेंट हैं, एक सेट बी मान लीजिए जिसमें कुछ एन एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि दोनों आपस में बराबर ना हो ताकि हमें क्लियरली ट्रांसपेरेंसी बना रहे, ठीक है, एंड ऑल्सो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, मान लीजिए दोनों अलग अलग सेट है, ठीक है, अलग ले लिया, ठीक है, इसका मतलब वो है ना कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब दोनों डिफरेंट है। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बस इसका दोनों का जोड़ दो, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हो जाएगा एम प्लस एन। यही चीज़ आप पढ़ते होंगे, जब कॉमन होता था तो उसको हम लोग माइनस कर देते थे, ठीक है। उसी तरह जैसे मैं इसको वन नाम दे रहा हूँ, तो ए इंटू बी में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एम इंटू एन हो जाएगा, इसका हर एक का इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। आप इनकी हेल्प से ना जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको मैं ईयर बता दूंगा, आप उस ईयर में देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एक फाइनाइट नंबर, कुछ अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट नंबर के है और इसको हम लोग अगर कार्डिनल नंबर में जोड़ते हैं, ठीक है, एक टेढ़ा मेढ़ा था इसे, तो ए वहीं रह जाएगा, मतलब वो हुआ कि सागर में से एक बाल्टी पानी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सागर में एक बाल्टी पानी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह ये भी हो गया कि अगर आप माइन अलिफ नोट में से कुछ माइनस, कोई एक एलिमेंट माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलिफ नोट ही बना रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं हिंट लिख दे रहा हूँ कि क्या है, एनी फाइनाइट नंबर। ओके, दूसरा हम लोग ले रहे हैं, हमारे पास कंटिन्यूम नंबर था,
अगर उस कंटिन्यूम नंबर में हम लोग कोई एक फाइनाइट नंबर जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही चीज रह जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कुछ अगर हमारे पास अल्फा कोई इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, उसमें हम लोग के जोड़ेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो ए एक्चुअली ना यही वाला स्टेटमेंट है। कैलिफ नोट क्या था? इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर ही था ना, तो उसमें हम लोग कोई के जोड़े तो क्या अलिफ नोट ही रह गया ना, तो वही बात है, इसको लिखने का बस तरीका अलग है। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं पावर सेट वाले में। पावर सेट में क्या था? अगर हमारे शेट किसी सेट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? टू टू द पावर एन। तो अब किसी सेट में अगर सी मतलब ए वाला सी कंटीन नंबर वाला इतने एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने हो जाएंगे? टू टू द पावर सी। और इसमें अगर आपके कोई एक फाइनाइट नंबर जोड़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एज इट जितना था उतना ही रह जाएगा। उसी तरह अगर आप इसमें से माइनस भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये उतना का उतना ही रह जाएगा। ओके, अब इसके पावर सेट में आप देखेंगे तो कितना होगा? इसके टू टू द पावर इसी को ले लीजिए, तो इसमें भी आप कुछ जोड़ो तो उतना ही रह जाएगा, माइनस भी करो तो उतना ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग ट्रिकी आगे बढ़ते हैं। अगर अलिफ नोट में अब तक तो हमने एक नंबर जोड़ा था, मान लो आप कोई 10 नंबर जोड़ दो, मतलब ए ऐसे कुछ भी ए बी सी ऐसे आप, मैंने 3 जोड़ा ना, आप हजारों जोड़ सकते हो, तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अलिफ नोट ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ा। अब आप अगर अलिफ नोट में इतने ही एलिमेंट और जोड़ दो तब क्या होगा? ठीक है, तब भी ये अलिफ ही नोट रहेगा। एग्जाम्पल मान लो आप एक सेट नेचुरल नंबर ले रहे हो, और फिर इसके मतलब एक कोई और सेट है जिसकी इक्विवेलेंट है, तो इसकी भी जो कार्डिनलिटी होगी ना, ये भी आपका अलिफ नोट ही रहेगा, इस टाइप का बात है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया कार्डन टेबल। अच्छा, ऐसा अगर हो कि एक सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नोट हो और दूसरे की सी हो, तब क्या होगा? सी मतलब कंटिन्यू नंबर। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक एक्चुअली क्या है, दोनों में जो बड़ा होगा ना, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपका आंसर ऑलवेज ये होगा, बस इतना ही कंसेप्ट है, इसी पे मैं सारा आपको बताया जा रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हैं, इस दोनों में बड़ा कौन था? टू टू द पावर सी था, वहीं आ गया, इसमें भी बड़ा वहीं था, आ गया। अब अलिफ नोट प्लस में समथिंग, अभी बड़ा कौन था? अलिफ नोट, अलिफ नोट आ गया। अब अलिफ नोट प्लस अलिफ नोट दोनों की वैल्यू बराबर हो गया, दोनों में बड़ा कौन सा है? अलिफ नोट, तो वो आ गया। अब यहाँ पर अलिफ नोट प्लस सी ले रहे हैं, तब इस दोनों में बड़ा क्या है? अलिफ नोट क्या है कि मान लो अगर हमारे पास कोई सेट ए है, अगर इसमें एन एलिमेंट है, तो इससे बड़ा होगा, और कोई एक इनफाइनाइट सेट है उससे छोटा होगा, और जो हमारे पास अनकाउंटेबल है जिसकी कार्डिनलिटी क्या 80 हो रही थी उससे, मतलब इन दोनों के बीच का, इनफाइनाइट और फाइनाइट के बीच का, जिसको हम लोग ट्रांसफाइनाइट बोल रहे थे। ट्रांसफाइनाइट मतलब वो फाइनाइट से तो बहुत बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट से छोटा है, लगभग इनफाइनाइट के बराबर लेकिन उससे छोटा है, ये चीज़ अलिफ नोट था। इन दोनों बड़ा सी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अब अगर आपको मान लो पूछ ले कि कार्डिनलिटी ऑफ जो भी हो एन यूनियन आर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? आर का ही वाला, आर वाला क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अपना काम कर सकते हैं। ओके, ए सी सी का हो गया। अच्छा, सी प्लस सी का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो दोनों बराबर, ये दोनों बराबर पहलवान है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सी प्लस सी का सी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में कुछ अलिफ नोट, अब जब मैंने सी पे ही बता दिया तो टू टू द पावर सी लेते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? टू टू द पावर सी, तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा टू टू द पावर सी। ओके, तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। ओके, अब मन करें तो ले सकते हैं टू टू द पावर सी, इन दोनों में बड़ा कौन है? टू टू द पावर सी, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, कोई भी सेट इस टाइप का है जिसमें इस टाइप का हमारा बन रहा है, तो इसका सम इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत बार हमें इस टाइप का दे देता है ना, तो वहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या था? जो सम होगा ऑलवेज लार्जर वाला होगा, जो भी बड़ा है वो होगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट था, तो आज के लिए बस इतना ही।